पंडित भाई, 18 तारीख बिल्कुल खरीब आ रही है। अब तक जैसा कि आप दो तीन मरतबा आवास कमेटी चेयरमैनशिप को लेकर दो तीन मरतबा बयान दिए, मुख्तलिफ तरीके से अपना इजहार अफसोस भी करे और अपना हक भी पूछे। कल हमें मालूम हुआ कि कल शाम में नलपाट होटल में एक मीटिंग हुई, अजीज सेठ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की शाहिद की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई थी। कौन कौन आए थे, क्या हुआ जरा मालूम करने आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहां पर जो शाहिद भाई ने एक मीटिंग के लिए सब कारपोरेट्स को वहां पर जोड़ा गया, बस वहां पर शांत कुमारी मैडम वहां पर आए थे और जनाब हसरत साहब आए थे और शौकत पाशा उन्होंने आए थे, बशीर साहब आए थे लेकिन अकमल आए थे और जनाब समी साहब उन्होंने भी आए थे लेकिन मैं भी वहां पर आया था। हसरत भाई भी आए थे? हाँ, हसरत भाई भी आए थे, प्रदीप भी आए थे जी। बस सब मिलकर ये बात की कि यहाँ पर जो कांग्रेस को जो डिप्टी मेयर और जो चेयरमैनों का जो मामला चल रहा है, जब वो बात चली, इस वजह से हमने जुड़े हुए हैं ताकि वस कमेटी और डिप्टी मेयर किसका होगा और कौन होगा। बिल्कुल, बस इसी के सिलसिले से बात हुई। जब शांत कुमारी साहब मैडम ने बात की, जब उनकी बात पूरी मुकम्मल हुई जी, जब वहां पर हसरत का जब आया, जब हसरत साहब ने कहा देखिए मैं भी चार मरतबा कांग्रेस के अंदर अहदा लिया हूं जनाब, मैंने सिद्धरामैया जी का फॉलो वर्षों, लेकिन उनको फॉलो करने के बाद मुझे हर चीज वहां से मिली है। मैंने वस कमेटी वहां से लिया हूं, हेल्थ कमेटी मैंने लिया हूं और जो टोना चेयरमैन भी मैं लिया हूं और जो सिद्धरामैया की हुकूमत सिद्धरामैया साहब की थी वहां पर मुझे एक मेंबर भी डाला गया था, लेकिन चार मरतबा हसरत भाई को अहदा मिला है लेकिन उनकी जुबान से खुद कहा है। हम सब पूरे कारपोरेट्स को वहां पर एक 8-9 कारपोरेट्स थे, उनकी जुबान से बाखदा कहा है, लेकिन हमने सब उनसे पूरे कारपोरेट्स ये रिक्वेस्ट की, आपने चार मरतबा तीन मरतबा अहदा आपको मिला है, अल्लाह ने आपको दिया था, लेकिन पंडू यहाँ पर सीनियर है उसको एक मौका दे दीजिए। अब हम सब कॉन्फ्रेंस अगर से कर लेंगे तो जनाब तनवीर सेठ साहब को भी बोझ हल्का हो जाएगा इस फैसला करने में जी। जब उन्होंने एक ही बात कहा, देखो मैंने चार मरतबा बेशक मैंने लिया है अहदा, लेकिन आप जो 20/3 जो कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स हैं, एक कुदन है, लेकिन जनाब तनवीर सेठ साहब ने मुझे एक मरतबा अगर से मेयर कैटेगरी मुझे बनवा कर देकर और मेयर कैटेगरी आ गई तो उस टाइम पर तनवीर सेठ साहब ने मुझे ये जुबान देना पड़ेगा, अगर मुझे मेयर बनाते हैं तो मैं बाखदा वस कमेटी के लिए मैं छोड़कर आप लोगों को दे सकता। ये हसरत भाई का बयान था। ये हसरत भाई का, हसरत भाई की जुबान से। अच्छा। हसरत भाई ने जब नलपाड़ ओल्ड के अंदर जब हमने सब जमा हुए थे 6 बजे, वहां पर हर कारपोरेटर को उन्होंने यही बात कहा कि मुझे अगर से मेयर नेस्ट अगर से मुझे बनाते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए छोड़कर दे सकता हूँ। ये तय हुआ जी जी, तब हमने इसको रजामंदी भी हुए। जब इसके अंदर बाकायदा हमने पूरे कॉर्पोरेट्स वहां पर जुड़े हुए थे, जब बेशक हमने पूरे एक वगट होकर तनवीर सेठ साहब के पास जाएंगे, जाकर वहां से तनवीर सेठ साहब के पास बात रखेंगे, मैंने भी यही कहा इंशाल्लाह अगर तुम इतनी कुर्बानी देते हो तो बाकायदा आपको अगर से मेयर कैटेगरी आ गई तो मेरे ईमान से मैं कहता हूँ और ईमान और मेरे यकीन को रखकर कहता हूँ, अगर सच्चा मैं मुसलमान हूँ तो बाकायदा इंशाल्लाह आपके लिए मैं पूरी कोशिश हम सब मिलकर करेंगे कि कोई भी अगर हमने चेयरमैन होने के बाद कोई भी यहाँ पर जो मुसलमान कॉर्पोरेटर्स हैं मेयर के लिए कोई नहीं आएगा सिवाय हसरत के। तो एक तरह से पंडित भाई अभी ये बात जब आप कह रहे हैं तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो मुस्लिम कॉर्पोरेटर्स हैं पूरी तरह का इत्तेहाद है, मतलब आप अगर एक बार कुर्बानी देंगे तो वो आपके साथ देंगे, उनका जरूरत पड़ी तो आप साथ देंगे, ये बात सामने आ रही है। अच्छा, जब आपके लिए जब चेयरमैनशिप की बात तो तमाम लोगों ने तायद की तो वहाँ से तनवीर सेठ साहब को मैसेज वगैरह भेजे हैं? तनवीर सेठ साहब को जितने कारपेंटर वहाँ पर जुड़े हुए थे लेकिन सब ने मैसेज वहाँ पर डाले कि तनवीर बात ऐसी चली यहाँ पर कि नेक्स्ट हसरत साहब को मेयर बनाना पड़ेगा और यहाँ पर जो वस कमेटी का मसला है यहाँ पर पंडो को तय कर दीजिए, ये हमारे से बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सब तनवीर सेठ को मैसेज डाले लेकिन वहां से रिप्ले ने सब
आपके लिए आया, इंशाल्लाह मैं जरूर पंडो को करूंगा। कर तनवीर शेठ साहब ने बस उन लोगों को मैसेज जी 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 दिए होंगे, ये मुझे यकीन है। जी जी। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि असरत भाई ने चार मर्तबा हो चुके हैं, बस इंशाल्लाह इस मर्तबा अगर से अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह अगर समय हो गया तो इस आने वाले दिनों के अंदर जितने भी कारपोरेट्स जो मुस्लिम्स हैं इंशाल्लाह ये कंटिन्यू एक के पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल पंडित भाई, इस हवाले से जहाँ तक मेरी मालूमात है, जहाँ तक मेरे सोर्सेस हैं, वहाँ मैंने पता किया तो पता चला कि तनवीर शेठ साहब, जहाँ तक आप बैकिंग की बात कर रहे हैं, तनवीर शेठ साहब आपके साथ हैं और इस मरतबा वर्किंग कमेटी के लिए, वर्क कमेटी के लिए आपका नाम तजवीज किए हैं और डिप्टी मेयर के लिए प्रदीप का नाम, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि हसरत साहब को मेयर का मौका मिल सकता है, बोल के ये बात तनवीर शेठ साहब के सोर्सेस से मुझे मालूम हुई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब यकीन कहाँ तक है आपको? मैं यही कहना चाहता हूँ, जो पिछले बार जो मेयर इलेक्शन चला था, जब शांत कुमारी का नाम सिद्धरामैया जी और तनवीर सेठ ने फाइनल कर दिए थे और हमें भी सब शांत कुमारी को मेयर बनाने के लिए पूरी हमने फाइनल कर दी, लेकिन चंद आदमियों ने मिलकर रात में जब इलेक्शन का मामला एंडिंग तक शांत कुमारी थी, लेकिन एंड मोमेंट पर तख्ता पलट गया। अच्छा। मैं यही कहना चाहता हूँ मैं सबसे इस मर्तबा ऐसा ना हो। जी जी, एक अपील है आपकी तरफ। मेरी अपील हो ताकि जो शांत कुमारी के साथ जो सुलूक हुआ ऐसा ना हो। जी। मैं यही कहना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है मेरे अल्लाह से, मुझे उम्मीद है जनाब सिद्धरामैया जी से, मुझे उम्मीद है तनवीर शेठ साहब से, इंशाल्लाह ऐसा ना हो। इसी के सिलसिले से मैं बार बार यही कहता हूँ, आप अगर मुझे जुबान दे दिए तो बाखदा, लेकिन उसी को ही चलना पड़ेगा। देखिए, तीन साढ़े तीन साल में फिर इलेक्शन है, इलेक्शन का मामला जब भी एमएलए का आया तो उठाकर देखिए रिपोर्ट, लेकिन मैंने पूरे 20 पर 3 वाड़े जो वार्ड जमते हैं एमएलए साहब को सबसे ज्यादा लीडिंग मैंने दिया है, आप उठाकर देखिए, आप लोगों को मालूम होता है। लेकिन मैं या झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, 7200 मेरे एरिया के अंदर से यहाँ पर 50-54 वार्ड थी, 7200 मैंने एमएलए को लीडिंग दिया और मैंने बाखदा, आप जानते हैं कि कितने कारपोरेटर्स एमएलए को कुर्बानी दिए हैं और कितने तनवीर सेठ की नाकामी के लिए पीछे बैक हैं, कांग्रेस में रहने के बावजूद भी जो कितने आदमियों कुर्बानी दिए हैं, कितने ना कुर्बानी दिए, ये सब आपको मालूम है। इसमें मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, ताकि एमएलए को कौन कुर्बानी दिया है कौन कुर्बानी नहीं दिया है मैं खोल जोड़ में नहीं बोलना चाहता, ताकि मैं सबकी इज्जत करता हूँ। बाकायदा मैं यही बार बार मैं दोहराना चाहता हूँ कि असलत साहब ने के चार बार लिए हैं, बस ये मौका हमें भी दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी सीनियर हूँ, 3 मर्तबा जीता हूँ, मैं एमएलए साहब से उम्मीद रखा हूँ, इंशाल्लाह मैं उनके साथ में रहना है, क्योंकि फिर 3-3.5 साल में इलेक्शन आने वाले हैं, लेकिन जैसे हमने पिछले बार मेहनत किए हैं उसी तरह रहना है। कि हर आदमी यही पूछता है कि पंडो साहब तुमने 3 मर्तबा जीते हैं लेकिन आप तक क्यों ओहदा नहीं मिला, आप लोग जानते हैं कैसे कैसे आदमियों जाकर दूसरे पार्टियों में जमकर ओहदे ले चुके हैं, ओहदे ले चुके हैं, ये आपको किस लिए नहीं मिल रहा है? पंडो भाई, ये चेयरमैनशिप को लेकर जो अपना आप दावा पेश कर रहे हैं कारपोरेटर्स और आवाम के बारे में भी, अपने फॉलोअर्स की भी बात करें, मेरा सवाल ये है कि आवाम को भी अगर इस बारे में राय पूछें, असरत भाई को देना है, आपको देना है या कारपोरेटर्स को पूछे, तो क्या लगता है आपको क्या रहा? इंशाल्लाह बेशक मैं आप लोगों से भी, अगर से कारपोरेटर्स से भी अगर से राय लेंगे, अगर से पब्लिक में से भी अगर से राय लेंगे तो इंशाल्लाह इसमें कामयाबी जिसकी होगी आप लोगों को मालूम होगा। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आप पूरे कारपोरेट से भी आप ले सकते हैं, पब्लिक से भी अगर से राय ले सकते हैं, मैं इसके अंदर चेयरमैन के अंदर लायक हूं या ना लायक हूं आप लोगों को मालूम पड़ेगा। बिल्कुल बेशक आप पूछ सकते हैं, हर एक की राय ले सकते हैं, इसके अंदर मैं फतेह होता हूँ या नहीं होता हूँ ये आप लोगों को, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं, छुपी हुई बात नहीं, बेशक छुपी हुई बात नहीं, ये खुली किताब है, हर कारपोरेट से भी ले सकते हैं, हर आम पार्टी से भी ले सकते हैं, इंशाल्लाह मैं लायक हूँ या ना लायक। बिल्कुल बिल्कुल,
लेकिन मैं इसीलिए आपके चाहने वाले आपसे सवाल करता हूँ। बहुत सारे इंसान हम यकीन आखिर में यही कहेंगे कि हमारी तरफ से आपको नेक तमन्नाएं शामिल हों और हम चाहते हैं कि आप जिस तरह का दुख का इजहार कर रहे हैं और जो हक आपका पूछ रहे हैं, हम यही उम्मीद करेंगे कि आपको जिस किस्म का जो जज्बात आपके हैं उसको आपका हक मिले, यही उम्मीद करते हुए हम अपनी बात खत्म करते हैं।